हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? गुड गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ सर आपकी वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, अभी क्लियर है? ठीक नहीं सर। हाँ हाँ सर, क्लियर अब है। ठीक है। ठीक तो है वॉइस। ओके, तो कोई ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन वेरी गुड चैप्टर। थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे इसमें डर लगता है किसी किसी को, कि क्वेश्चन का दिखने का जो रहता है वो कभी कभी डेटा इस तरह का रहता है कि क्वेश्चन टफ लगता है। अगेन मैं यही बात बोलूंगा, इस चैप्टर को आप ज्यादा डीप में अभी के लेवल पे ना देखें। जेई मेंस लेवल पे इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो जेई मेंस लेवल पे इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहली प्रायोरिटी पे अच्छे से करना है। मैं आज बताऊंगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के इस चैप्टर में से, ठीक है? और अगेन इस चैप्टर से अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट होने लायक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टफ आया तो ट्राई करना, हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। क्या आपको वैसे भी, देखो मैंने यही बताया, हमेशा पहले टारगेट हमें इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन को ही करना है। वैसे ये चैप्टर है, कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है, प्रैक्टिस प्रॉपर करना इसमें चैप्टर की। मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया है, लगभग 20-21 क्वेश्चन का असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट थोड़ा सा मीडियम लेवल का ही, मतलब ज्यादा इजी भी नहीं है। अगर आपको मान लो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो फिर आप उससे ना करके मॉड्यूल से फंडामेंटल एक्सरसाइज नंबर 1 अटेम्प्ट करना। अगर आपके फंडामेंटल ज्यादा वीक हो तो पहला मॉड्यूल अटेम्प्ट करना, फिर वो असाइनमेंट देखना। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो फिर आप वो जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया हुआ है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर 1 और 2, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, वो बहुत सारे क्वेश्चन तो हम क्लास में भी कवर कर लेंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि ट्राई करना, या तो PYQ अटेम्प्ट कर लो या फिर मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 अटेम्प्ट कर लो। क्लियर है? यस बोलो। यस सर। और असाइनमेंट आपका अच्छे से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम उस असाइनमेंट की क्लास में कवर करेंगे, कुछ आप घर पे खुद से ट्राई करना, ठीक है? नहीं हो तो सॉल्यूशन से देखना, लेकिन कंप्लीट ओके जरूर कर सर। लेना। और फंडामेंटल को अगर स्ट्रॉन्ग करना तो थोड़ा एक्सरसाइज 1 या फिर PYQ, थोड़े इजी मीडियम लेवल के PYQ ट्राई कर लेना। वो दोनों के गुड दोनों इवनिंग सर। दोनों के दोनों चीजें मैं आपको वहां पे भी अपलोड कर दूंगा। क्लियर है बात सबको? यस सर। सर। यस अब सर। थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि हमें स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, चैप्टर बहुत बड़ा है एक्चुअली में, तो 2 लेक्चर में वो भी 2 घंटे में अगर कवर करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है एज अ टीचर। क्योंकि अगर मान लो मैं इसको एक सिंगल शॉट में, 1 शॉट में क्रैश कोर्स में बढ़ाऊं तो कम से कम 3 घंटे तो चाहिए रहते हैं। लेकिन अगर हमें 2 घंटे में करना है तो थोड़ा सा मुझे स्पीड भी मेंटेन करनी रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा कंसंट्रेशन करूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा, अधूरे सॉल्व करेंगे, बच्ची कैलकुलेशन आप घर पे खुद से ट्राई करोगे। क्लियर है? ठीक यस है, सर। यस तो ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होके बैठना और समझना अच्छे से। नहीं कुछ समझ में आता तो अनम्यूट करके पूछ लेना। इसका वेटेज है अच्छा खासा, एडवांस में तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, कब आया तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन आया तो वो आ सकता है, एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से, लेकिन एडवांस में 2 क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर के टॉपिक क्या क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोटा के बारे में, कि आयोटा क्या होता है, उसकी पावर्स का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे, एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन, और क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हम देखेंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, आर्गन प्लेन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है? अच्छा, इसमें जो मैं बता रहा था क्रिटिकल टॉपिक वो है कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, खासकर इनकी प्रॉपर्टीज, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और कभी कभी आजकल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं, पहले तो एडवांस में आते थे लेकिन मेंस में भी क्वेश्चन पूछने लग गए, इसलिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपके 2 क्रिटिकल टॉपिक कौन कौन से हो गए? कॉन्जुगेट मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन दोनों पे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना, बाकी का बेसिक बेसिक देख लेना, लेकिन इन पे थोड़ी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर लेना। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब फटाफट इसको डिस्क्राइब करते हैं, क्या होता है आयोटा, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। हो क्या रहता है कि अब तक अपन जो इक्वेशन सॉल्व करते थे x² = 4, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स की वैल्यू आई थी +-2, मतलब यहाँ से मुझे रियल सॉल्यूशन मिल रहा था। एक्स को अगर मैं 2 रखूंगा उसका स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन कभी कभी कोई कोई इक्वेशन ऐसी आती थी, x² = मान लो लिख दिया मैंने -5,
या फिर मैंने लिख दिया कोई कोई कैलकुलेशन इक्वेशन है इस तरह की, मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो पता करना था, तो हमें पता है इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कभी नेगेटिव, ऐसा कोई स्क्वायर ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव है, तो ऐसा कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा इसका, मतलब कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बहुत सी बार कैलकुलेशन में से चीजें आ रही थी ऐसा हो रहा, अब उसके बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करना था, तो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन को डिफाइन करा कि इसको अगर अपन को एनालिसिस करना है इस तरह की चीजों को, क्योंकि रियल रियल नंबर में रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो इस तरह की चीजों को डिफाइन करने के लिए उन्होंने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन किया, जहां पे आपको बोला कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है, स्क्वायर उधर जाके रूट में हो जाएगा, है ना, अंडर रूट ऑफ माइनस वन, या फिर ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव, इस तरह के सोल्यूशन। अब इसको डिफाइन किया गया, ये बार बार अंडर रूट माइनस वन का फैक्टर हर 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 सॉल्यूशन में आ रहा था, तो अंडर रूट माइनस वन को शॉर्ट में डिनोट कर दिया आयोटा से, ताकि बार बार कैलकुलेशन में दिखने में थोड़ा आसान दिखे, अच्छा दिखे, ये अंडर रूट माइनस वन बार बार लिखना थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा था, तो इसको आयोटा नाम दे दिया, ताकि जहां जहां भी कैलकुलेशन में अंडर रूट माइनस वन आए वहां पे आयोटा लिख दो, तो ये हो जाएगा रूट फाइव आयोटा, थोड़ा दिखने में थोड़ा बेटर दिखता है। तो ये था हमारा आयोटा, आयोटा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को क्या डिफाइन किया गया, आयोटा। अब आयोटा डिफाइन करने के बाद इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखते गए कि क्या क्या इसमें चीजें डिफाइन हो रही है। इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो मुझे पता है इसका स्क्वायर करने पे माइनस वन आएगा, है ना, आयोटा ये है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा माइनस वन, दोनों तरफ अगर आयोटा से वापस मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आयोटा क्यूब बन जाएगा, इधर क्या बनेगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा दोनों तरफ आयोटा से एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर क्या बनेगा माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आयोटा की आयोटा इनिशियली में मान लो रूट माइनस वन आयोटा है, मान लो स्क्वायर करोगे तो माइनस वन, क्यूब करोगे तो ये पावर फोर करोगे तो, अब यस सर इसकी पावर में आप मान लो दोनों तरफ पावर एन चढ़ा दो, वन की पावर एन हमेशा वन ही आता है, इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि आयोटा की पावर कोई भी फोर एन अगर हो, फोर का मल्टीपल हो वो हमेशा कितना आएगा वन आएगा, कितना आएगा, ठीक है। आयोटा की पावर पावर फोर एन, आयोटा की पावर फोर, आयोटा की पावर सिक्सटीन, आयोटा की पावर फोर्टी, आयोटा की पावर फोर्टी एट, जितनी भी फोर की मल्टीपल अगर आयोटा की पावर, उसका आंसर हमेशा वन लिखोगे। अब इसी को जनरलाइज करने के लिए वापस से सुनो ध्यान से, मान लो दोनों तरफ आयोटा से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों तरफ अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या बन जाएगा पावर फोर एन प्लस वन, और इधर क्या आ जाएगा आयोटा, है ना, मतलब अगर फोर से किसी भी पावर को फोर से अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर वन आ रहा है तो उसको क्या लिखोगे आयोटा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आयोटा की पावर मान लो 49, अब मुझे पता 48 4 से डिविजिबल है, यस यस, इसको क्या लिखेंगे 48 प्लस 1, तो 48 प्लस 1 मतलब ये तो 4 के मल्टीपल में प्लस 1 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे आयोटा। या फिर इसको ऐसे लॉजिक लगाओगे कि 49 से डिवाइड 4 को 49 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पावर आंसर क्या आएगा आयोटा। अगेन 4n प्लस 2 करेंगे अगर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा दैट इज माइनस 1, एक और बार आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो 4n प्लस 3 कितना आ जाएगा माइनस आयोटा, वापस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 4n प्लस 4 तो वापस वो 4n ही बन जाए, मतलब आप वापस यहां पे आ जाओ, क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर। तो आपको ये ध्यान रखना है हायर पावर जो भी है उसको 4 से अगर डिवाइड करोगे रिमाइंडर अगर 0 है तो 1, रिमाइंडर 1 है तो आयोटा, रिमाइंडर 2 है तो माइनस 1, रिमाइंडर 3 है तो माइनस आयोटा, इज इट क्लियर, यस सर, यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन था, हाँ जल्दी पूछो, पूछो सर, जैसे आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में माइनस 1 है तो हम सिर्फ माइनस 1 नहीं लिख सकते, माइनस 1 मतलब सर 1 का रूट तो 1 ही होगा ना सर, 1 का रूट 1 होगा, माइनस 1 का रूट थोड़ी 1 होगा, ये इमेजिनरी है ना इसलिए तो अंडर रूट माइनस 1 को डिफाइन किया गया है, माइनस 1 तो रियल नंबर है, इसको थोड़ी मैं आयोटा लिखूंगा, प्रॉब्लम क्या रही थी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी थी इसलिए तो इमेजिनरी बोला गया, जो रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ है ना, यस सर, अगर रूट ही नहीं होता तो वो तो रियल नंबर होता, यस सर, अगर स्क्वायर रूट का टर्म ही नहीं होता वो तो रियल नंबर होता, तो उसको तो हम क्यों अलग से डिफाइन करते, पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ते, ये एक्चुअली ये जो भी हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जितने भी हमने रियल नंबर पढ़े और नंबर लाइन वहां पे कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं रखी है,
अभी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा था इसलिए हमने इसको अलग से डिफाइन किया, वो पूरा चैप्टर इसका पूरा अलजेब्रा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसको प्लेन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका हर चीज पूरी नहीं पड़ी क्योंकि ये क्वांटिटी रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है? यस सर। ठीक है चलो अब सुनो ध्यान से फटाफट। जैसे कोई भी आयोटा के पावर निकालने मान लो 147 बताओ कितना आएगा जल्दी से सर। 1 गलत। 1 कहां से आ जाएगा? माइनस 1 माइनस 1 जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो ना। 4 इनके टर्म्स में दिया हुआ ना तो 4 से डिवाइड करो सर। माइनस सर माइनस आयोटा सर माइनस आयोटा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर का 3 आ रहा तो क्या लिखोगे? माइनस आयोटा लिखोगे ना। यस सर। आया ना? गलती नहीं करना। क्लियर है? यस सर। यस सर। आयोटा की पावर मान लो है आपका 237। अब बताओ आई आयोटा कितना आएगा? आयोटा यस सर। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस सर। ध्यान रखना। अच्छा एक और बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व क्या हुई, अगर इन चारों को आप ऐड करो इन चारों का एडिशन कितना आ रहा है? जीरो। जीरो। एक वन है, एक माइनस वन है, एक आयोटा एक माइनस आयोटा, इन सबका एडिशन करेंगे तो जीरो आएगा। यस सर। यस सर। और ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो नंबर्स हैं 4n 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3 क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है, चार कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले ही है। मान लो ये हुआ मान लो 20 तो 21 22 23 होगा। ये मान लो हुआ 42 या फिर 40 हुआ मान लो तो ये 41 42 43 समझा ना। ये चारों के चारों जो पावर्स हैं सबके सब कंसेक्यूटिव है कि नहीं है? यस सर। अगर मैं ये बोलूं इन चारों कंसेक्यूटिव पावर का एडिशन कितना आएगा? जीरो। जीरो। क्योंकि आप आरएचएस देखो, आरएचएस आरएचएस में चारों को अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो। मतलब आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n प्लस 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 और आयोटा की पावर 4n प्लस 3, इन चारों चार कंसेक्यूटिव आयोटा की पावर का एडिशन हमेशा कितना आएगा? ऑलवेज जीरो। ठीक है, चाहे वो कहां से भी स्टार्ट हो चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो, अगर चार कंसेक्यूटिव है, जैसे मान लो स्टार्ट मैंने कर दिया कहीं से भी 13 से कर दिया मान लो मर्जी से, तो 13 के बाद क्या आएगा? 14 15 और 16। अब इन चारों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा? जीरो। जीरो। आप चारों कैलकुलेट करके देख लेना। अगर चार कंसेक्यूटिव पावर है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक होनी चाहिए, और चारों कंसेक्यूटिव और चारों का अगर एडिशन हो रहा है तो ओवरऑल एडिशन हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है जल्दी से क्विकली इन तीनों का आंसर दो, फटाफट अपने अपनी कॉपी में निकालो तीनों, फिर एक साथ बताना फास्ट। हो गया? यस सर। यस सर। देखो सबसे पहले 243 इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। सर माइनस आया यार। 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यस सर। माइनस आया 3 सर। यस सर। तो कितना आएगा? माइनस आया था। एक्स आया था। यस सर। आयोटा के बाद 57 पे रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा। आयोटा आयोटा 1 1 1। अरे रिमाइंडर आएगा 57 1 से डिवाइड करके 1 आ रहा है। 1 आ रहा है मतलब आयोटा दोनों पे 1 आएगा और इसका भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। यस सर। यस सर।
आयोटा स्क्वायर प्लस वन अपॉन आयोटा। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर, यस सर। अब कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आता है हमेशा रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइज। अभी आगे सीखूंगा मैं। यहाँ पे बच्चे का आयोटा, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। क्या कर दिया? रेशनलाइज कर दिया, मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। यहाँ पे बच्चे का आयोटा और नीचे का आयोटा स्क्वायर कितना होगा? माइनस वन, तो बच्चे का माइनस आयोटा, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? सी पार्ट का आंसर बताओ। जीरो। चार कंसेक्यूटिव पावर है तो चार कंसेक्यूटिव पावर का सम क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। नेक्स्ट, खुद से ट्राई करना, दिमाग लगाओ। सर जीरो। जीरो आ रहा है? वो समझ के बताओ। ऐसे बोलो ना। यस सर। चलो, हो गया टाइम। अब बताओ, देखो यहाँ पे तो वन से ट्वेल्व आएगा, तो चार चार के पेयर चार बन जाएंगे, तो इसका तो जीरो हो जाएगा। यस सर, यस सर, है ना। आयोटा वन से टू जीरो आ जाएगा ना। टोटल बारह पेयर, बारह है और चार चार के तीन पेयर, तो जीरो हो जाएगा। बोलो। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगा? थोड़ा सा नेटवर्क का सब लोग ध्यान रखो। और अभी अभी आपकी डेली देखो तीन चार क्लासेस चलेगी, तो कोशिश करना अपना नेट का थोड़ा रिचार्ज संभाल के रखो दिन भर। पता चला दिन भर में कुछ और यूज हो रहा है नेट, और शाम क्लासेस के टाइम पे कट रही बातें, इसलिए आप अपना नेट दिन भर यूज थोड़ा कम करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला, वन से लेके ट्वेल्व है। अभी सिखाया था कि कंसेक्यूटिव पावर का एडिशन कितना होता है? जीरो। सर जीरो। जीरो, तो बस यही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बारह तक है, तो चार चार के, चार चार के तीन पेयर बनेंगे। यस सर। हाँ है ना? यस सर। जी सर। तो चार चार के अगर तीन पेयर बनेंगे तो उन सबका एडिशन कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, समेशन के बराबर वन से लेके ट्वेल्व तक है। यहाँ पे के को वन रखोगे तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा के पावर कहाँ तक जाएगा? थर्टीन तक। थर्टीन, यस सर। अब इसको कैसे सोचोगे? अब देखो यहाँ पे दो से लेके तेरह तक है, तो चार चार के पेयर नहीं बन रहे। एक तो देखो दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, चार चार के पेयर तो बन रहे हैं। अच्छा, बारह ही है। फिर क्या इसका भी आंसर जीरो आएगा? यस सर, जीरो। पक्का? यस सर। एक बार क्रॉस चेक करके देखें, इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है।
जैसे मान लो 2, 3, 4 और 5, इनका एडिशन बताओ कितना आ रहा है? जीरो जीरो सर जीरो। एक बार चेक कर लो, आयोटा कॉमन ले ले। अरे हाँ कॉमन ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोटा कॉमन लेके भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, एक्चुअली वो कॉमन लेके तो वो ही बन जाएगा, लेकिन मैं एक बार ये कंफ्यूजन हटाना चाहता हूँ। मैंने सुन लिया था आपका, आयोटा कॉमन लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, है ना, 1 + 2 + 3 जैसे मान लो ये है, जैसे ये है, इसकी वैल्यू पता हो कितनी आ रही है? जीरो। आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा क्यूब को क्या लिखोगे? माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 को 1, आयोटा की पावर 5 को आयोटा, माइनस आयोटा, प्लस आयोटा ना। यस सर, 4 + 1 है ना, इसका एडिशन देखो 0 आ रहा है। यस सर, चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी 4 अगर कंसेक्यूटिव है तो सम 0 होगा। यस सर, यस सर। यहां पे भी जो 12 पावर है, मतलब जो भी पावर्स हैं 12 के 12 सबके सब कंसेक्यूटिव ही है, है ना? यस सर। अभी बात समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, एक चीज और ऑब्जर्व करो, देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर मान लो दोनों नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तब थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जनरली बचपन से हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, रूट ए इंटू रूट बी, तो हम डायरेक्टली क्या लिखते थे, रूट ऑफ ए भी लिखते थे। यस सर। अगर अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए भी डायरेक्टली लिख सकते हो, इफ बोथ नंबर आर पॉजिटिव, ये हम पहले लिखते आते थे। और मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो भी लिख सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो गए तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, तब ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया, एक -3 और एक -5 है अगर, तो इनको प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, है ना? यस सर, यस सर। अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, रूट 15 पर, ये गलत है। क्यों गलत है? एक्चुअली होगा क्या, अंडर रूट -3 इंटू अंडर रूट -5 है, अंडर रूट -3 को क्या लिखोगे, रूट 3 आयोटा, और इसको क्या लिखोगे, रूट 5 आयोटा। यस सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते, पॉजिटिव नंबर को तो मल्टीप्लाई कर सकते। यस सर, यस सर। तो जगह रूट 15 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो एक्चुअली इसका आंसर कितना आएगा, -√15। यस सर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई ये वाला लॉजिक लगा लेते, दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते तो रूट 15 आता, तो यहाँ पे गलत हो जाता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है इस एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट व्हेन बोथ आर नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। सर अगर रूट 3 और रूट में -5 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, अगर आप रूट 3 और रूट -5 को मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या इसका तब ये एप्लीकेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट -15 आएगा। यस सर, रूट 15 आएगा, है ना, रूट 15 आयोटा आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पहले अलग सा कैलकुलेट करके निकाल, देखो ये रूट 3, इसको क्या लिखोगे, रूट 5 आयोटा, तो ये रूट 15 आयोटा है, तो है मतलब दोनों तरफ से सही आ रहा है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने भी आंसर सही करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, आ रहा है। यहाँ पे दोनों को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, अगर मान लो दो या तो दोनों पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेबल है। सिर्फ एप्लीकेबल कब नहीं होगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे, तब ये केस में ये हो जाएगा। क्लियर है? बस थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्ट, बस एक ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर, ओके। व्हेन बोथ द क्वांटिटी, यहां पे दिखा भी, देखो रूट ए इनटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी डज नॉट होल्ड गुड व्हेन बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव, बाकी सब जगह एप्लीकेबल है, बस जब ए और बी दोनों नेगेटिव है तब ये होल्ड गुड नहीं करती। क्लियर है?
सर इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर जीरो था। हाँ ठीक है यस सर। अच्छा नेक्स्ट डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एलजेब्रा। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को अब डिस्क्राइब करना है, तो अभी आपको मैंने बताया कि इस तरह से चीजें चल रही थी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन किया गया, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली आपका एक यूनिवर्सल प्लेन है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है एक तरह से यूनिवर्सल प्लेन, प्लेन सारे रियल नंबर भी इसी के अंदर आएंगे, ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करता हूँ टू, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा मैंने टू, तो टू एक रियल नंबर है, हाँ ना? यस सर। इस ठीक है, तो ये रियल नंबर, हाँ ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली कैसे डिफाइन किया गया, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान सुनना, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ए और बी यहाँ पे हम ले रहे हैं वो बिलोंग्स टू आर है। अब आर में सब सब आ गया, जीरो भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, रेशनल इरेशनल सब कुछ आ गया, है ना? आर मतलब रियल नंबर। फिर किसी ने बोला कि अगर मान लो बी जीरो हो जाए तो क्या वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, अगर बी जीरो हो गया तो जेड इक्वल टू क्या जाएगा ए। अब ये प्योरली रियल हो गया, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? अब देखो ये बहुत फंडामेंटल चीज है, इसमें मैं ज्यादा डीपली नहीं जा सकता, नहीं तो आपकी जो मेन चीज है ना वो छूट जाएगी। आपको समझ पा रहा है? आप आधा घंटा ऑलरेडी जा चुका है, अभी हमें स्टार्टिंग की है ना, इसलिए मैं थोड़ी चीजें फास्ट लूंगा और जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया तो बता दें। तो ओवरऑल क्या समरी गई आपको, आपने पढ़ा है बहुत बार, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे ए और बी क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर है? मतलब जीरो भी हो सकता है। अगर मान लो बी जीरो हो जाए तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, मतलब प्योरली रियल नंबर, यस सर, तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब अगर कोई पूछे जेड इक्वल टू 5 6 7 माइनस 8 माइनस 9 ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस यस सर। जेड इक्वल टू माइनस 3 आयोटा, अब यहां पे मान लो ए जीरो हो जाए तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलेंगे प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। तो कहने का मतलब क्या है, इफ एक्स एंड वाई रियल नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली डिनोटेड बाय जेड। ये जो एक्स है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो वाई है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा है, तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द रियल पार्ट आप बताओगे 2, इमेजिनरी पार्ट क्या बताओगे माइनस 3, क्लियर? यस सर। यस सर। अगर मैं पूछता हूँ जैसे जेड इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7 आयोटा, तो बताओ इसका रियल पार्ट क्या है? माइनस 3। माइनस 3। इमेजिनरी पार्ट 7। 7 आयोटा मत बोल देना, 7 इमेजिनरी पार्ट क्या जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, क्लियर है? ओके सर। मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना है तो बहुत आसान है। जेड वन है मान लो 3 प्लस 4 आयोटा, जेड टू है मान लो 1 प्लस 2 आयोटा। अब बताओ एडिशन कैसे करोगे तो क्या आएगा सर? 4 प्लस 6 आयोटा। रियल को रियल के साथ ऐड, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड, हां है ना? यस सर। यस सर। तो कैसे करोगे? 2 प्लस 2 आयोटा। 2 प्लस 2 आयोटा। 2 प्लस 2 आयोटा। रियल में से रियल को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 प्लस 8 आयोटा। ये देखो जल्दी जल्दी में फिर गड़बड़ कर दिया। इमेजिनरी को मिल मल्टीप्लिकेशन थोड़ी, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे जैसे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ है ना? यस सर।
इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों से? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। आई बात समझ में? यस सर आ गया। यस सर। अब डिवाइड कैसे करेंगे? सर रैशनलाइज करेंगे पहले। हाँ, कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को। इमेजिनरी नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में आते हैं, हमेशा क्या करोगे? रैशनलाइज। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज कर देना, ताकि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या क्रिएट होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। नीचे से इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। यस। अब इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होंगे? जब उस रियल आप उनके रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के पार्ट के बराबर होगा। तो जेड वन इक्वल टू जेड टू होता है, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, वाई वन इक्वल टू वाई टू। क्लियर है ना? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान रखना, कभी इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। कभी कोई बोले कि क्या 5 + 10 आयोटा 1 + 2 आयोटा से ज्यादा है कि नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं। क्लियर है? सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। जेड स्क्वायर प्लस 3 + 2 आयोटा जेड प्लस 1 + a आयोटा इक्वल टू 0। बोला है कि एक जेड स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना? यस सर। बोला है हैज अ रियल रूट, तो ए की वैल्यू बताओ। अगर इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के रूट्स मान लो रियल आ रहे, फॉर एग्जांपल, है ना? यस सर। मतलब जेड की वैल्यू आ रही, मान लो रियल आ रही है, तो ए की वैल्यू बताओ। समझ आया क्वेश्चन? अगर इसके रूट्स रियल है तो सर कोई वैल्यू अज्यूम कर ले। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो तो ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यहाँ पे ध्यान दो। No, नहीं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण समझ में आना चाहिए। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जब मैं बोल रहा हूँ कि हैज रियल रूट्स, और जब हम अप्लाई कर रहे हैं डी ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दिस इज एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल कब है? जब ये जो कोफिशिएंट है ना, जब ये कोफिशिएंट एबीसी एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट एबीसी शुड बी रियल। प्रॉब्लम क्या है? जेड के साथ इशू नहीं है, जेड के साथ कोई इशू नहीं कि जेड के आने से दिक्कत आ रही है। दिक्कत किसके साथ आ रही है? ये जो क्वाड्रेटिक के कुछ कोफिशिएंट है ना, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3 + 2 आयोटा, यहाँ पे कितना 1 + आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स, ये जो कोफिशिएंट ये इमेजिनरी है, तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाले जो हमने कॉन्सेप्ट पहले देखे थे क्वाड्रेटिक में, ये एप्लीकेबल कब थे? व्हेन एबीसी आर रियल नंबर है ना? यस सर। आगे के लिए हमेशा ठीक है। तो हम ये जो डी या जो भी क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो भी चीज हमने सीखी थी इसका पैराबोला वगैरह सब कुछ, वो तब एप्लीकेबल, वो किसके लिए सोचा था? जब जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होना चाहिए। समझ में आया तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। तो बोला इसके रूट्स रियल है, तो हम कुछ अज्यूम कर लेते, लेट जेड इक्वल टू कोई भी एक रियल नंबर अज्यूम कर लो। ए ऑलरेडी यूज किया हुआ है ना, तो कुछ भी अज्यूम कर लो, मान लो अल्फा अज्यूम कर लिया,
या फिर मान लो कुछ भी एज्यूम कर, समझ में आ रहा है? बोलो यस सर। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर इसका रियल रूट है तो मान लो इसका रियल रूट एज्यूम कर ले तो अल्फा आया ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा यस सर। इसमें अल्फा रख दिया, अल्फा इसके रियल नंबर, तो जेड इक्वल टू अल्फा रख दिया, अल्फा इज रियल नंबर, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो रियल पार्ट को अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। रियल पार्ट देखो क्या क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से थ्री अल्फा आएगा, यहाँ से वन आएगा, और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा के साथ क्या क्या आएगा, टू अल्फा और ए, टू अल्फा। क्लियर हो गया? यस सर। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर आ रहा है, दो कॉम्प्लेक्स, अब जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना। जीरो को कैसे लिख सकते हो, जीरो प्लस जीरो आयोटा, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते, ध्यान रखना ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो कोई पूछेगा सर 5 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 5 को आप कैसे लिखोगे, 5 प्लस 0 आयोटा, लेकिन है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, जीरो को कैसे लिख सकते हो, जीरो प्लस जीरो आयोटा है ना, तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, लेकिन ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे, है ना? यस सर। तो रियल पार्ट भी जीरो के बराबर और इमेजिनरी पार्ट शुड आल्सो बी जीरो। तो यहाँ से जब अल्फा आ जाएगा, वो अल्फा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ए आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो डायरेक्ट डी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करना, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर लेना एलएचएस आरएचएस। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। यस सर। सर लास्ट वाला एक बार और समझा दीजिए प्लीज। हाँ, यहाँ पे हमने क्या बोला, दो चीज ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जब भी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम जो अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट रियल रूट्स के लिए डी ग्रेटर देन जीरो, ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर रियल, है ना? ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कोएफिशिएंट रियल नहीं था, तब फिर हमको कुछ ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से सोचा, फिर हमने क्वेश्चन में बोला था कि इसके रूट्स रियल है, मतलब जेड की वैल्यू क्या आ रही है, रियल आ रहा है, रियल रूट, तो हमने कोई अल्फा मान लिया रियल रूट, है ना? लेट जेड इक्वल टू अल्फा इज द रियल रूट, इसका रूट क्या मान लिया, क्वाड्रेटिक का अल्फा मान लिया। क्लियर है? यस सर। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा रख दिया, जहां भी जेड था उसकी जगह अल्फा रख दिया। अब इस पूरे में से रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया, पूरा रियल रियल अलग, इमेजिनरी इमेजिनरी अलग, और इक्वल टू किससे था, ये जीरो से इक्वेट था। यस सर। अब कंपेरिजन कर लिया दोनों तरफ, तो ये जीरो कब आएगा, जब इसका रियल पार्ट जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, जीरो, तो इसको भी जीरो से इक्वेट कर दिया और इसको भी जीरो से इक्वेट किया, तभी तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे जब इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जब इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ पे तो ए आ जाएगा, है ना? समझ गया सर। यस सर। देखो पहले वाली इक्वेशन से और दूसरे वाली इक्वेशन से निकाल लेना, कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर हो गया। करो ट्राई, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या तरीका अपना, ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व। बताओ क्या तरीका अपना है, बोलो बोलो, आवाज आ रही है? स्क्वायर कर देंगे। वेरी गुड। तो एक एक्चुअली आप चाहो तो, हाँ रेश, तो दोनों को डिवाइड कर दो एक साथ, या फिर
इसको ध्यान से देखो, ये टू को अंदर लीजिए, एन को पहले अलग कर दिया, सही है? यस सर, यस सर। जन एक्चुअली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो इनका स्क्वायर है ना, ये बहुत आसान आ जाएगा, अगली बार आपके दिमाग में रहेगा। वन प्लस आयोटा का जो स्क्वायर है वो बहुत छोटा एक्सप्रेशन आ जाता है, इसलिए स्क्वायर पार्ट को अलग कर लिया, एन पार्ट को अलग कर लिया। अब तो अगर आप कैलकुलेट करोगे वन प्लस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपना हो जाएगा। यस सर। तो देखो ये कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, और ये वन से के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ टू आयोटा बचेगा। टू आयोटा, यस सर। देखो इसकी वैल्यू टू आयोटा आ गई, और इसकी माइनस टू आयोटा, माइनस टू आयोटा। तो बेसिकली इसका जो स्क्वायर है वो एक बहुत इजी नंबर है, इसलिए स्क्वायर वाले पार्ट को अलग कर लिया, ताकि इसकी वैल्यू मैं पुट अप कर सकूं, और मेरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वन प्लस आयोटा का स्क्वायर इसकी जगह टू आयोटा आ जाएगा। यस सर। की पावर एन इक्वल टू माइनस टू आयोटा की पावर एन, क्लियर है? यस सर। ओके, बोला कि अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, कि एन की सबसे छोटी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है? अब कैसे करें? अब देखो यहां से 2 की पावर एन अलग कर लो, और आयोटा की पावर एन अलग कर ले, आया ना? यस सर। और यहां से भी 2 अलग कर रहा हूं और माइनस आयोटा अलग कर रहा हूं, क्लियर है? कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? कैंसिल कर दिया कुछ नहीं। अब आयोटा के पावर एन इक्वल टू माइनस आयोटा के पावर एन, एन की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करे, तो रख के देख लो, या तो देखो वन रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं, है ना? वन सेटिस्फाई करेगा क्या? नो सर, नहीं करेगा। नो सर, नो सर। यस सर। टू कर देगा क्या? यस सर। है ना, एन को टू रखो, टू करोगे तो इधर आयोटा स्क्वायर और इधर में माइनस आयोटा का होल स्क्वायर वही बनेगा सेम। यस सर। तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा, एन इक्वल टू टू इज सेटिस्फाइंग, देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा? टू। क्लियर है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इसको जो सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा कर रहा है? टू कर रहा है। आगे और भी कर सकते, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट पूछा था, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया? बोलो। अरे है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, एक लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेंस 2023 लास्ट ईयर से जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा दिमाग लगाओ, दो मिनट, एक मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, पूरे एक मिनट है आपके पास, सोचो। सर ऑप्शन डी। क्या रहा डी? दिल्ली। यस सर। यस।
देखो यहाँ पे एक्चुअली दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बोला था तो दो कंडीशन गिवन थी और पूछा तुम कि इमेजिनरी पार्ट्स की साइन पूछा है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड वन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू, बस उनकी वैल्यू नहीं पूछी है, वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे सिर्फ इतना हमको पता करना है, आया ना? Yes, जो गिवन दो कंडीशन है उनको सॉल्व करते हुए, एक कंडीशन क्या गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन और जेड टू, जो जेड वन जेड टू का प्रोडक्ट उसका रियल पार्ट जीरो के बराबर है और जेड वन प्लस जेड टू के रियल पार्ट जीरो के बराबर। अब अगर इसके इसका मुझे अप्लाई करना है तो कहीं ना कहीं जेड वन जेड टू को अज्यूम तो करना ही पड़ेगा ना। यस सर। बिना उसके तो कैसे लॉजिक लगाओगे, कैसे सोचोगे, कैसे रिलेशन डेवलप करोगे इमेजिनरी पार्ट्स में? तो इसलिए मैंने जेड वन जेड टू को अज्यूम कर लिया, एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन और एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अच्छा फर्स्ट पार्ट है, देखो जेड वन जेड टू, ठीक है, तो जेड वन और जेड टू पहले पता कर लेते कितना होगा प्रोडक्ट, कितना होगा इनका, देखो ध्यान से, एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन और एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू, है ना? प्रोडक्ट करोगे इसे तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा वही डायरेक्ट लिख लेते हैं। रियल पार्ट में देखो क्या क्या आएगा, x1 x2 का टर्म आएगा, x1 x2 और यहां से iota आएगा, यहां से iota आएगा और यहां से iota स्क्वायर y1 y2, तो मतलब -y1 y2। यस सर, है ना? और ये हमको 0 से बराबर दिया हुआ है, है ना? यस सर। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, x1 x2 equal to y1 y2। क्लियर हो गया पहली इक्वेशन? यस सर। अगला पार्ट देखो, z1 plus z2 का रियल पार्ट जीरो था, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा रियल पार्ट ऑफ z1 plus z2, x1 plus x2। रियल पार्ट का एडिशन क्या आएगा, x1 plus x2 इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। अब आपको आपको लाना क्या है, रिलेशन इमेजिनरी पार्ट लाना है, इमेजिनरी मतलब y1 y2 में रिलेशन डेवलप करना है ना, कि y1 y2 कैसे होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Y1, Y2 के बारे में सोचना है तो देखो Y1, Y2 के बारे में यहाँ इक्वेशन नंबर वन से क्या है कि Y1, Y2 इक्वल टू X1 into X2, आया ना? अब यहाँ अब देखो अब इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से X1 की वैल्यू किसके बराबर है कि माइनस X2 के बराबर। Yes, sir. अब किसी एक को रिप्लेस करते हैं, X1 की जगह क्या रख देंगे, माइनस X2 into X2, तो कितना जाएगा माइनस ऑफ X2 का स्क्वायर, समझ में आया? नेगेटिव। यस सर। तो बहुत आसान हो गया यहाँ से क्वेश्चन, दो दो रियल, अब देखो y1 y2 x1 x2 ये सब रियल नंबर, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यस सर। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन अपोजिट हो, तो देखो अपोजिट साइन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, अपोजिट साइन कौन सा वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, आया ना? दिखने में भली अजीब अजीब चीजें दे दी हो, हर बार मैंने बोला जेई चीज आपको हो सकता है डराए क्वेश्चन की शक्ल से, लेकिन आपको हमेशा गिवन डेटा को उतार के एक बार ट्राई हमेशा कर रहा है, देख के छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अगर देख के छोड़ दोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप ना कर पाते, तो अजम्पशन माना, जो गिवन डेटा था उसको अलग अलग किया, दोनों को देखा तो क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो ये जो एलजेब्रा बेस इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बस वही मैंने आपको बताया, ठीक। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर डिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको रेशनलाइज करना है ना? Yes, sir. एक इस पे भी क्वेश्चन चलो ट्राई कर लो, 2020 में आया हुआ था, करो ट्राई।
सर वन है क्या? अच्छा जी, एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट क्या था? आज ही था क्या? यस सर। यस सर, 22 दा लास्ट डेट है, मतलब आज भर सकते हैं कि हो गया खत्म? सर 11 बजे तक सुबह के 11 बजे तक ही था, आज की रात के सर। सर शाम 5 बजे तक था सर शायद। 5 बजे तक था, 11 अभी भर सकते हैं मतलब अभी। ऐसा कोई जिसने नहीं भरा हो अभी तक? सर एक दोस्त ने भरा नहीं था मेरे, मतलब स्कूल के, वो भर रहा था आज। हाँ अगर ऐसा कोई हो जिसने, अगर मान लो रह गया हो या फिर कोई भी पोर्शन रह गया हो पेमेंट वगैरह कुछ भी, तो वो क्लास भले लीव कर लो लेकिन पहले वो काम निपटाओ, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इनकेस अगर किसी का रह गया हो, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा सोचो कि करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद कोई फॉर्म फिलअप नहीं होता है, इसलिए आज लास्ट डेट है। इनकेस अगर किसी का छोटा मोटा पोर्शन भी रह गया, डेट एक्सटेंड होगी नहीं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है और होती बहुत कम होती है, इसलिए जिसका अगर रह गया हो तो पहले फॉर्म फिलअप भरने का काम निपटाओ, बाद में क्लास अटेंड करना। आप पहले तो 6 मिनट रह गए। हां 6 मिनट रह गए फॉर्म रजिस्ट्रेशन बंद होने में। हां ठीक है, इसका कुछ तो कर दो, एटलीस्ट हो सकता है पेमेंट के लिए एक्सटेंड हो जाए लेकिन फॉर्म फिलअप के लिए ना हो, तो इनकेस कोई बच्चा हो तो कर लेना पहले। ठीक है, मेरे को अभी एकदम याद आया इसलिए याद दिला, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन कर लो, पेमेंट के लिए हो सकता है वो एक्सटेंड टाइम डेट कर दे थोड़ा। ठीक है चलो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला कि इफ द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, बस यही पहली लाइन को ही आपको यूज करना था, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर जीरो है तो कोई ये वैल्यू बताओ। तो पहले इसको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको रियल पार्ट अलग करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे तो कैसे सिंप्लीफाई करते, रैशनलाइज मेथड है। यस सर, है ना। इसको आप रैशनलाइज जब करोगे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, रैशनलाइज करोगे रियल पार्ट को जीरो से इक्वेट करोगे तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आ जाएगी। क्लियर है, आ रहा था? यस सर। क्वेश्चन आसान है, जेई 2020 में भले ही आया था लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से तो आपको छोड़ने नहीं है। अभी पास ज्यादा टफ आए तो ठीक है देख लेना, लेकिन इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन आए तो क्रैक करके आना। यस सर। तो सिंपल, इसको रियल पार्ट को जीरो से इक्वेट करना था तो इसको अलग अलग पहले रैशनलाइज करके अलग अलग कर लेना। रियल पार्ट को जीरो से इक्वेट करोगे सिंप्लीफाई करने पे थीटा पाई बाय 4 आएगा, वैल्यू पुट अप कर देना। क्लियर हो गया? यस सर। एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन आया था जो आप डायरेक्ट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, ट्राई कर लेना खुद से। ठीक है बोलो। यस सर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, जैसे मान लो स्क्वायर रूट बोला माइनस आयोटा निकाल, तो ये भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ए प्लस आयोटा भी, इसको अज्यूम कर लो ए प्लस आयोटा भी। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग वगैरह करके कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, दो इक्वेशन आएगी वहां से ए और बी निकाल लेना। क्लियर है? यस सर। करके रख रखा मैंने, ठीक है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ट्राई कर लेना, ज्यादा टफ नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, बहुत कम चांस है, लेकिन कभी आता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तो उसको ए प्लस आयोटा बी से इक्वेट करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। ठीक है, आया ना? यस सर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट तो पता रहता सबको कि क्या होता है कॉन्जुगेट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ए माइनस आयोटा। अब ये तो सबको समझ आती है। यस सर। इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट निकालते कैसे, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, आया ना? यस सर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो -3 आयोटा प्लस 5, फिर सॉरी हां जो प्लस 5, तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 आयोटा प्लस 5। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को चेंज करना है, रियल पार्ट को नहीं, आया ना? ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, खुद से ही ऑब्जर्व करना, खुद से ही डिराइव करना, रटने की जरूरत नहीं है। क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, देखो ध्यान से, तो अब तक अपने क्या देखा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा।
अब सारी प्रॉपर्टी खुद से ही डिराइव कर लेना। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा? तो यहाँ से इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो कभी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का एडिशन अगर जीरो आ रहा है तो जीरो हो रहा है मतलब ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, है ना? यस सर। और रियल पार्ट अगर जीरो, इसका मतलब क्या बोलोगे? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो रहा है मतलब a0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? प्योरली इमेजिनरी। यस सर। Yes, तो मतलब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉन्जुगेट उसका सम क्या आएगा? जीरो आएगा। एग्जांपल के तौर पे 2i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जीरो माइनस 2i, जीरो थोड़ी, कॉन्जुगेट क्या होगा? -2i, है ना? आप इन दोनों का एडिशन कभी भी करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। यस सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का एडिशन ऑलवेज क्या होगा? जीरो। और उल्टा हमको याद रखना है कि अगर जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जीरो है, इसका मतलब जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी इमेजिनरी। अब इसका यूज कैसे होगा? कभी कभी आपको चार ऑप्शन देंगे अलग अलग, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे और ऑप्शन में देंगे, बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, क्या है क्या नहीं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार यूज कर लेते हैं कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का एडिशन आप क्या करो? जीरो से इक्वेट कर दो। अगर जैसे क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे देंगे, एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, ठीक है, वो बोलेंगे ये प्योरली इमेजिनरी है, तो अगर प्योरली इमेजिनरी बोला तो आप क्या अप्लाई कर देना? जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। समझ? यस सर। जब भी बोले प्योरली इमेजिनरी तो दोनों तरफ से याद रखना है, जब भी बोले प्योरली इमेजिनरी मतलब z प्लस z कॉन्जुगेट को कैसे इक्वेट कर दोगे? जीरो से इक्वेट कर दोगे। आगे बात समझ में? यस सर। तो ये पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद एडिशन के बाद मान लो सब्सट्रैक्शन अगर करा, तो सब्सट्रैक्शन करने पे कितना आता? 2b i आया था। यस सर। ठीक है, तो ये प्योर। अब मान लो अगर मैं बोलता अगर ये जीरो होता तो जीरो होता मतलब b0 मतलब प्योरली रियल। यस सर। यस सर। जेड इज प्योरली रियल और लॉजिकली भी समझ में आता है। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो मतलब जेड और जेड कॉन्जुगेट आपस में बराबर कब होंगे? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट एग्जैक्टली इक्वल कब होगा? जब वो प्योरली रियल हो। जैसे जेड इक्वल टू 3, उसका कॉन्जुगेट भी क्या आएगा? 3 आएगा ना? यस सर। यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट आपस में बराबर तभी हो सकते जब वो प्योरली रियल हो। अब इसको वाइस वर्सा आपको यूज करना है। क्वेश्चन में बोला कंडीशन के प्योरली रियल, आप क्या यूज कर सकते हो? जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट या फिर जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। क्लियर? यस सर। एडिशन करके देखा, सब्सट्रैक्शन करके देखा, अब मल्टीप्लाई करके देख लो। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आयोटा वाई। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे पढ़ूंगा मैं, तो अभी से बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आ रहा है? मॉड जेड का स्क्वायर। ये तो पता ही होगा सबको। यस सर। यस। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, इसको मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये उसी का स्क्वायर आ रहा है, है ना? यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्या है? स्क्वायर है। मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्या है? स्क्वायर है। अब बहुत सी बार क्वेश्चन में ये किस तरह से यूज होता है, जनरली आपको क्या देते हैं? इफ जेड इज यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या है? अगर मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 है, मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है? 1। यहाँ से क्या हो जाएगा? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर, है ना? यस सर। चलो पहले इतना याद रखो, ये तीन प्रॉपर्टी देख लो अच्छे से।
बोला प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी बोलोगे तो क्या कंडीशन कर सकते हो, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट जीरो है ना, बोलेंगे प्योरली रियल तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, और जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड्यूलस ऑफ जेड के बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड के स्क्वायर के, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको एक तो ध्यान रखनी है प्रॉपरली। अब इसमें मैं ये लास्ट वाली कंडीशन, इसमें एक चीज ये बता रहा था कि अगर मान लो मॉड जेड वन हो जाए, मॉड जेड कितना हो जाए वन, मतलब अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड वन के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट वन के बराबर हो जाएगा, या फिर जेड कॉन्जुगेट को वन बाय जेड लिख सकते हो? यस सर। या फिर वन बाय जेड को जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हो, उल्टा ऐसे ही अभी याद रखो, अगर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट वन है तो वन बाय जेड की वैल्यू जेड के बराबर आ जाएगी। यस सर। यस सर। इस चीज का यूज बहुत से क्वेश्चन में एक दो बार हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया अलग से। तो अगर मान लो मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अगर वन है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड अगर वन है, फिर उसका मॉड्यूलस, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, मॉड्यूलस अगर वन है, तो वन बाय जेड की जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड कॉन्जुगेट, है ना? यस सर। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसमें एक दो चीजें और, कि अगर मान लो कॉन्जुगेट का वापिस कॉन्जुगेट ले ले तो जेड ही आ जाएगा। यस सर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एडिशन में है और उसका होल कॉन्जुगेट है, तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट को तो हर जगह अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिविजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, है ना? कॉन्जुगेट में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, कॉन्जुगेट को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो और होल कॉन्जुगेट हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जेड वन कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड टू कॉन्जुगेट। ये बातें समझ आ रही है? यस सर। क्लियर यहां तक? अच्छा एक मिनट, एक चीज और, बाइनोमियल से रिलेट करके एक चीज और सिखाई जाती है, बाइनोमियल में एक चीज पड़ी थी, इन बाइनोमियल, एक सेकेंड ना, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में, जैसे अगर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n और दूसरा इसका नेगेटिव वाला है, और दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर n और दूसरा है मान लो x माइनस वाई की पावर n, दोनों को अगर ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या बनेगा, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री, तो यहाँ पे ऑड वाले कोएफिशिएंट नेगेटिव आएंगे, तो वो इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे पॉजिटिव के ऑड के साथ, तो आपके पास क्या बचेगा, ओवरऑल इवन वाले दो दो बार आ जाएंगे, है ना? इसको ट्वाइस ऑफ एन सी जीरो एक्स की पावर एन, फिर एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, फिर एन सी फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर वाई की पावर फोर एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर एक एक प्लस में है और एक माइनस में और दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ऑड वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली डबल बार ऐड हो जाएगी, है ना? और सब्सट्रैक्ट करते तो क्या होता, इवन वाली कैंसिल हो जाती, ऑड वाली ट्वाइस ऐड हो जाती, ठीक है? यस सर। ये बाइनोमियल में हम देखा था, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, जब मान लो सेम टर्म है एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो ऐसा होता है, ठीक है? यस सर। अब लगाओ दिमाग में, कितना आ रहा है यहाँ पे, क्या सेम चीज लग रही है? यस सर। एक x इधर भी x, इधर भी y, इधर भी y, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, और क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ऑड वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ इवन वाली बचेगी, ट्वाइस ऑफ, है ना? यस सर। यस सर। टू की पावर n 5c 2 की पावर n माइनस 1 और एक बचेगा 5c लास्ट में 4,
5c 0 होता है 1, तो ये बचेगा 2 की पावर 5, 5c 2 निकाल के देखना, शायद 10 आता है क्या? यस सर, देखा 10 इंटू 8 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज माइनस का नहीं, 5c 4 5 के बराबर आई थिंक, 5 इंटू 2 इंटू 3 आयोटा के पावर 4, तो जगह 3 की पावर 4 दैट इज 81 इंटू 1। अब इसको बस ऐड करके मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्लियर है? Yes, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो कैलकुलेशन जैसे भी करते, बस ये समझाना था मुझे। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व फॉर जेड, जेड की वैल्यू निकालो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो। कि जेड की वैल्यू क्या आएगी जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कैसे करेंगे, तरीका क्या है? अज्यूम करोगे ना? यस सर, बस वैल्यू पुट अप कर देना। तो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 3x आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 3y। अब चाहो तो सबको एक तरफ लो या कंपैरिजन करो, जो भी करना कर लो। रियल पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, x माइनस 3y माइनस 1, और इमेजिनरी पार्ट में y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब 0 है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को 0 से इक्वेट कर देना, तो x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 3x इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू 3x रख देना, यहां से x आ जाएगा। x आ गया, x की वैल्यू रखोगे तो y आ जाएगा, x और y पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा, हाँ है ना? यस सर। प्रॉपर्टी अभी बता देनी, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगो तो वही आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, और जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट से क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट, जेड माइनस जेड से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी। और एक और प्रॉपर्टी, पावर, पावर में भी कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हो, जेड की पावर एन का होल कॉन्जुगेट है, तो चाहे तो उसको क्या लिख सकते हो, जेड कॉन्जुगेट की पावर एन। क्लियर है? यस सर, यस सर। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे टिक कर दिया, लेकिन ट्राई करो एक बार। कैसे करेंगे सर, रैशनलाइज कर देंगे जेड को सर, यूनि मॉड्यूलर। हाँ, मॉड वन है तो, मॉड वन है तो आप क्या यूज कर सकते हो, जेड इनटू जेड और वन बाय जेड, सॉरी वन बाय जेड की जगह जेड कॉन्जुगेट भी आ सकता है। यस सर, यस। तो लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे आप? अब देखो, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका बताता हूँ। अभी मैंने एक चीज बताई थी, रियल पार्ट कहाँ पे आते हैं, एडिशन करने पे। यस सर। अभी प्रॉपर्टी बताई थी, किसी का भी रियल पार्ट निकालना हो, किसी भी, देखो ये भी बहुत काम आता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर लिखना तो उसको क्या लिख सकते हो, वन बाय टू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हो।
है ना। yes, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, 1/2 iota जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट है ना, कि जनरली ये ज्यादा काम आता है। तो अगर मुझे बोला है कि रियल पार्ट, आप देखो ओमेगा एक बहुत अजीब सा दिया होगा, लेकिन क्या बोला है उसका रियल पार्ट की वैल्यू पता करनी है। तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा तो बताओ क्या लिख सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। 1/2 into z plus z conjugate ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट है ना, w प्लस z क्योंकि w की बात कर रहा हूं मैं। यस सर। द रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज 1/2 w plus w conjugate। आप देखो यहां 1/2 w मतलब w कॉन्जुगेट, ये ध्यान रखना, जितने भी कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बता रहा हूं ना यही आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। कॉन्जुगेट को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलग अलग कर सकते हैं। यस सर। अलग अलग करते आप एलसीएम वगैरह लोगे है ना, एलसीएम वगैरह लेना, मॉडुलस ऑफ जेड को 1 यूज कर लेना और एक बार देखना सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है, ये तरीका यूज कर सकते। आई बात समझ में, एलसीएम लेना मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, करोगे ना। यस सर। यस सर। देख लेना आंसर कौन सा ऑप्शन है। यस सर। और मॉड जेड इक्वल टू 1 है उसका भी यूज कर लेना, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्रिएट होगा, जहां जहां पे भी जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्रिएट होगा उसको मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। अच्छा अब देखो अगली अगले अगली एक और वेरायटी में क्या बोला है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है अगेन बड़ा सा, वो बोला कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो अगर प्योरली इमेजिनरी है तो अब इसका रियल पार्ट जीरो होगा। यस सर। यस सर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दे दो, एक काम करो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको वापस से w नाम दीजिए, मान लो लेट w इक्वल टू दिस, तो w का रियल पार्ट जीरो होगा है ना, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट जीरो होगा। यस सर। वापस रियल पार्ट को लिखने का तरीका क्या है, 1/2 w plus w conjugate। बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूं, समझ पा रहे हो। यस सर। है ना, इसको सिंप्लीफाई करना और जेड इंटू जेड बाहर आ जाएगा, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड की बात है, क्लियर है। यस सर। ये खुद से ट्राई करना है सारे कैलकुलेशन, इनका सॉल्यूशन हो सकता है अलग दिया हो लेकिन आपको तरीका सिखा दिया मैंने, है ना। यस सर। ये भी वैसा यूनिवर्सल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो सुनो ध्यान से, आज का अपना टारगेट कंप्लीट हो गया, आज का मेरा टारगेट था कॉन्जुगेट तक कवर करना, आज अपन ने शुरू के 3 टॉपिक बहुत अच्छे से देख लिए, ठीक है। आप क्या करना, इसकी मॉड्यूल में वहीं पे अपलोड कर दूंगा आपके शीट पे, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 ट्राई करना, फंडामेंटल क्वेश्चंस, क्लियर है। यस सर। और जिसका फंडामेंटल क्लियर होगा, जिसको लगता है कि नहीं मेरा क्लियर है कॉन्सेप्ट, मुझे थोड़ा अच्छे लेवल की क्वेश्चन ही करने, वो क्या कर सकता है, असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, 8 ही क्वेश्चन दिए, उसमें से भी 3-4 तो मैंने क्लास में करा दी होंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में आपका असाइनमेंट नंबर 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज थोड़ा फास्ट कराया था मैंने ताकि चीजें कवर हो, जो बचे हुए 3 टॉपिक है वो कल कवर हो जाएंगे, कल तो सैटरडे है ना, हाँ कल कवर हो जाएगा, ठीक है। और कल जो ओपन सेशन रहेगा उसमें मैं टेस्ट का रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। ओके ओके सर। ओके सर। ओके थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर।